पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के चुनाव के लिए आज पठानकोट में बार एसोसिएशन पठानकोट की ओर से वोटिंग की गई तथा यहां पर वकीलों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की। इस मौके पर बार एसोसिएशन पठानकोट के सदस्यों ने बताया कि वकीलों के हकों के लिए ये चुनाव बेहद जरूरी है। इसमें चेयरमैन व वाइस चेयरमैन का चुनाव होगा और जो भी बॉडी चुनी जाएंगी वो वकीलों के हकों के लिए उनके अधिकारों के लिए काम करेगी। जो भी सानू मान जो चीफ इलैक्टोरल ऑफिसर जी वालों कहे गए कि हर तरह के जो पुख्ता इंतजाम किए जाए, सो पुख्ता इंतजामों के मेनली तो यह कि सारे ही तकरीबन सारे इंतजाम जो किए जा चुके हैं, कोई खास मतलब इंतजाम नहीं, जो हदायत सन वो अकॉर्डिंग ही साढ़े वाले पोलिंग स्टेशन सैटअप किया गया है। पोलिंग स्टेशन ठीक 15 मिनट जो पहला है वो तैयारी जारी सारी पोलिंग एजेंट्स की हाजिरी के करवाई गई थी, उस तरह ठीक 10 बजे पोल स्टार्ट करवाई गई थी और बाकी पुलिस के और सिविल के जो सारे पुख्ता इंतजाम ने सारा इलेक्शन जो स्मूथली बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल जो अपना वालों हदायत सी वो मुताबिक ही जोड़े ने डोर लाए ने, DFM की डोर भी लगे हुए हैं तो साड़ी फोर्स भी जिनी तहसीलदार साहब ने मंगी सी वो अभी पुख्ता इंतजाम उन्होंने किए। 5 साल के बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के बार काउंसिल के इलेक्शन होंगे ने और इलेक्शन जोड़ा साढ़ा इतने बड़ा स्मूथली चलता, जो बाहर ने रेजोल्यूशन पास मीटिंग करने अं बाहर की यूनिटी तो बाहर नहीं जाते, जो बाहर ने फैसला कर लिया उ करना है तो बड़ा प्यार नाल और बड़ा स्मूथली इलेक्शन होया करता, कोई ये कोई अपना आर्मी पुलिस वाले का बड़ा सहयोग है, तहसीलदार साहब का बड़ा सहयोग और साढ़े मैंबर सारे। ये 5 साल के बाद बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा वह एक चेयरमैन बनता, एक वाइस चेयरमैन बनता हर 5 साल के बाद, फिर वो जेडे बार काउंसिल का एक मैंबर साडा बार काउंसिल ऑफ इंडिया जाता। ये जी ऑटोनमस बॉडी है वकीलों की जिन्हें भी कोई प्रॉब्लम होंगे वो सारिया सॉर्ट आउट जेडे ना चेयरमैन बार काउंसिल चंडीगढ़ कर। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री एंड एडवोकेट एक्ट के अकॉर्डिंगली साडा जो प्रोसैस जरा चल रहा और पंजाब एंड हरियाणा के टोटल नंबरस ऑफ इलेक्टर मैंबर जोड़े ने 25 ने और 107 कैंडीडेट ने। अज का जो प्रशासन ने जो इंतजाम किया है बहुत बढ़िया है, सारे तहसीलदार साहब बड़े इन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, पुलिस प्रशासन वालों भी पूरी मदद की जा रही है और ये एक ऑटोनमस बॉडी है साडा एडवोकेट्स वास्ते और ये बॉडी जो इलैक्ट होंगी है 25 मैंबर जो चुने जाने हैं, ये 16 हरियाणा के खाते च ने और 9 जड़े ने वो पंजाब के खाते ने और ये बॉडी ही साढ़े वेलफेयर देखती है, एडवोकेट्स की वेलफेयर वास्ते कम करती है, एडवोकेसी के कोई सुधार करना है, कोई कुछ नवा पाना है, कुछ डिलीट करना है, ये साड़ी बॉडी जी है सानू लुकआउट करती है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी है एडवोकेट एक्ट के अकॉर्डिंगली जिन्हें वास्ते अज इलेक्शन हो रहा है और बड़ा स्मूथ इलेक्शन हो रहा है और मेरी बेनती भी है सारे साथियों कि वो इस जो इलेक्शन समूह चल रहा है तो सारे सहयोग देन। पुलिस प्रशासन को भी बेनती है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बाकी रहने समय वास्ते बहुत अच्छा काम करेंगे। जागृति लहर के लिए पठानकोट से लवप्रीत सिंह की रिपोर्ट।